हेलो दोस्तों, रूहाना अजवाड़ में आपका स्वागत है। डोरमेट का एक और वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये यहाँ मैंने ऊन से बनाया है और थालपोस के जैसे इसे यूज़ करती हूँ। तो आप चाहे तो पुरानी चुनिया साड़ी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए सिलाई में मैंने यहाँ पे 24 फंदे लिए हैं। तो यहाँ देखिए, एक उल्टी सीधी सिलाई में ये निकाल लूँगी। सिंपल फंदे बुनते हुए हमें एक सिलाई उल्टी और सीधी इसमें निकाल लेंगे, फिर हमारी डिज़ाइन शुरू होगी। तो ये देखिए, एक उल्टी सीधी सिलाई है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अभी हम यहाँ पे देखिए दूसरा धागा अटैच करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने ब्लैक ऊन ले ली है और ऊपर के दो फंदे में ये ब्लैक से बुन लूँगी। ये देखिए, और बाकी के फंदे ऑरेंज से बुनते हुए जाएंगे हम, आखिरी के दो फंदे बिना बुने छोड़ते हुए। तो बहुत ही सिंपल इसकी बुनाई और जल्दी बन के ये तैयार होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये देखिए, दो फंदे यहाँ बिना बुने छोड़ देंगे। धागे को दूसरी तरफ करके सामने की साइड से जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से हम बुन लेंगे। देखिए, एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे बुन के बता रही हूँ। तो ये दो फंदे हमारे ब्लैक के थे और दो और फंदे हम सामने से ऑरेंज वाले ब्लैक बुन लेंगे। तो देखिए, इस तरह से चार फंदे हमारे हो गए हैं। और नीचे की तरफ से बुनाई करते हुए जाएंगे तो दो और फंदे इस बार हमारे ऑरेंज के बिना बुने हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए, दो फंदे यहाँ रह जाते हैं। धागे के सामने की तरफ करते हुए सामने के फंदे जो जिस कलर का है उसी कलर से हम बुन लेंगे। ऊपर की तरफ यहाँ मैंने चार फंदे देखिए ब्लैक से बुन लिए हैं और दो दो करते हुए ऑरेंज के फंदे मैंने चार यहाँ छोड़ दिए। तो इसी तरह से बुनाई करते हुए मैं बीच तक ये बुन लूंगी। तो यहाँ देखिए, ये मैंने 10 फंदे ब्लैक से बुन लिए हैं और 10 फंदे ही मैंने नीचे की तरफ दो दो करते हुए बिना बुने छोड़े हैं। तो हमने 24 फंदे स्टार्टिंग में लिए थे, तो जिसमें चार फंदे मेरे और यहाँ रह जाते हैं। तो इसमें से दो मैं ये ब्लैक से बुन लूंगी और दो फंदे हमारे और बिना बुने यहाँ रह जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से ये 12 फंदे ये हमारे दो दो करते हुए रह जाते हैं और 12 फंदे ये ब्लैक से बुन लिए। तो यहाँ देखिए, हमारी आधी कली की बुनाई हो जाती है। अभी बाकी आधी कली की बुनाई देखिएगा आप। तो पहले जहाँ हम ऑरेंज वाले फंदे दो दो करते हुए बिना बुने छोड़े जा रहे थे, अभी हमारी सिर्फ ब्लैक वाली कली की बुनाई चलेगी। यानी कि इस बार दो फंदे ब्लैक के हम बिना बुने छोड़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए, दो फंदे ये ब्लैक के रह जाते हैं। तो जिस तरह से पहले हम ऑरेंज वाले फंदे यहाँ छोड़े जा रहे थे, अभी हमें ब्लैक वाले फंदे यहाँ छोड़ने हैं। तो इसी तरह से ये आखिरी तक फंदे हमें ऐसे ही छोड़ना है।
दो फंदे हमने ब्लैक के छोड़ दिए हैं, इसी तरह से जो बाकी 10 फंदे और हमारे रह जाते हैं उन्हें भी दो दो करते हुए हम इसी तरह से छोड़ते हुए जाएंगे। तो देखिए ये कंप्लीट मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो ये सारे फंदे दो दो करते हैं मैंने ऑरेंज और ब्लैक वाले फंदे आखिरी तक छोड़ दिए हैं। अभी हमारी दूसरी कली की स्टार्ट होगी। तो देखिए दूसरी कली की शुरुआत सेम हुई। अभी ये सारे फंदे जो हमने ब्लैक और ऑरेंज के दो दो करते हुए छोड़े थे, अभी हम इस सारे फंदे ऑरेंज से बुन लेने हैं। सारे 24 फंदे हम ऑरेंज से बुन लेंगे। तो स्टार्टिंग में भी हमने ऑरेंज के 24 फंदे ही लिए थे, तो वही 24 फंदे अब हमारे यहाँ पे फिर से ऑरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक कली हमारी कंप्लीट हो गई और ये दूसरी कली की शुरुआत है। तो सारे छोड़े हुए फंदे हमें ऑरेंज से बुन लेना है। तो देखिए सामने की तरफ एक और सिलाई हमें निकाल लेनी है यहाँ पे। तो ये देखिए स्टार्टिंग वाले वही 24 फंदे ये हमारी सिलाई में आ गए हैं। तो अभी सेम वही बुनाई कि दो फंदे हम नीचे की तरफ ब्लैक से बुनेंगे। ये देखिए शुरू के दो फंदे हमने बुन लिए हैं। फिर ये आखिरी के दो फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। तो वही स्टार्टिंग वाली बुनाई है, जैसे कि हमने दो फंदे यहाँ बिना बुने छोड़े और दो फंदे ब्लैक कर लिए हैं, उसी तरह से दो दो फंदे ये ब्लैक से बुनते हुए जाना है और ये बीच तक हमें बुन लेना है, यानी आधे आधे फंदे हमें कर लेना है। तो 24 फंदों में हम 12 12 फंदे ये डिवाइड कर लेंगे और यहाँ आधे तक हम बुन लेंगे। उसके बाद सेम वही जैसे ब्लैक वाले फंदे हम दो दो करते हुए छोड़े जा रहे थे, उसी तरह से फिर ब्लैक वाली बुनाई चलेगी और ये हमारा डोरमेट कम्प्लीट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा हमने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।